हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के चार्जिंग एनिमेशन को कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों, फ़ोन को तो हम डेली चार्ज करते हैं और एक ही चार्जिंग एनिमेशन को देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके गाइज आप अपने फ़ोन के चार्जिंग एनिमेशन को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो और गाइज आप अपने फ़ोन को एक नया लुक दे सकते हो। आप चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हो, रियलमी का, ओप्पो का, रेडमी का, वीवो का, चाहे आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो, सभी फ़ोन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोरेजे टेक्निकल में, मैं हूँ अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फ़ोन को हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज़, हम आ गए फ़ोन के होम स्क्रीन पे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ट्रू AMPS और ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा। और गाइज, इसकी 4.4 की काफ़ी अच्छी रेटिंग है और ये करीब 6 MB का एप्लीकेशन है, 5.7 MB का, और यहां से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसका सेटअप करना है। अब गाइस, यहां पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहां पे कुछ परमिशन अलाउ कर देने हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने परमिशन को अलाउ कर दिया है। अब हम एप्लीकेशन को फिर से ओपन करते हैं। दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एनिमेशन सेटिंग पे, और इसके बाद आपको यहाँ ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा चार्जिंग स्टाइल का, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमेशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो वेब वाला एनिमेशन है काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। और गाइज, यहाँ पे आपको एक ऐड देखने का ऑप्शन आएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ से एक ऐड देख के एनिमेशन को अनलॉक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको व्यू ऐड पे क्लिक करना है तो एक ऐड आएगा। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 सेकंड का ऐड है। तो दोस्तों, ऐड खत्म हो गया, हम यहाँ पे बैक कर देते हैं। तो गाइज, हमारा जो एनिमेशन है वो अनलॉक हो चुका है। अब दोस्तों, आप यहाँ से कलर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपको यहाँ कस्टम कलर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कलर ए कलर बी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी कलर आप सेट करना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर बी में कुछ और कलर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्लू है, ब्लू ही रहने देते हैं। अब आपको यहाँ चार्जिंग स्टाइल पर क्लिक करके वेब वाला फिर से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, जो वेब एनिमेशन है हमारे फ़ोन में लग चुका है, अब हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम होम कर देते हैं और यहाँ पे फोन को लॉक करके चार्जिंग में लगाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने चार्जिंग में लगा दिया है। अब हम फोन को ऑफ करते हैं, लाइट को। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो चार्जिंग एनिमेशन है वो चेंज हो चुका है और जो कलर ब्लू मैंने सेलेक्ट किया था आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू है। तो दोस्तों, इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन के चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। तो गाइज, अब चलिए मैं आपको कोई और एनिमेशन सेट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम फ़ोन को अनलॉक करते हैं और फिर से एप्लीकेशन पे जाते हैं और यहाँ पे एनिमेशन सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चार्जिंग स्टाइल पे क्लिक करते हैं। और गाइज, यहाँ पे हम ऑर्बिट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम फिर से फ़ोन को लॉक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो चार्जिंग एनिमेशन जो है वो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह आप अलग अलग चार्जिंग एनिमेशन को अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।